जय यीशु। दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम में से कोई भी गंदगी में या गंदे जगह में जीना पसंद नहीं करता है या अस्त व्यस्त जगह में रहना पसंद नहीं करता है। हम में से अधिकतर लोग अपने घर, अपने कमरे को सुव्यवस्थित और अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं। हमें यहाँ वहाँ बिखरा चीज पसंद नहीं आता है। हम हर अनावश्यक चीज को तुरंत ही हटा देना चाहते हैं। आज के सुसमाचार में हम गेहूं और जंगली बीज के बारे में सुनते हैं। जंगली बीज को देखकर नौकर लोग आकर स्वामी से कहते हैं कि क्या वे उन्हें खेत से हटा दें। मालिक ने कहा कि उसे अभी रहने दिया जाए, कटनी के समय उसे छांट दिया जाएगा, क्योंकि जंगली बीज को हटाते समय अच्छे बीज को भी नुकसान हो सकता है। जब सही समय होगा तो उसे छांटना उचित होगा। इस दुनिया में रहते समय कई बार हमारा स्वभाव उन नौकरों के समान है। हमारे कलीसिया में या हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग उतने अच्छे नहीं हैं। विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच में रहना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम दूसरे लोगों की कमियों को बड़ी आसानी से देखने लगते हैं और उन पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। हर दूसरे इंसान जिसमें थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं, वह हमारे लिए बुरा बन जाता है और ऐसे लोगों के साथ हम रहना भी नहीं चाहते। ज़्यादातर समय हम किसी की एक कमी के कारण उसे बहुत जल्दी खराब बना देते हैं, उसके अच्छाइयों को देखने के लिए समय नहीं देते। आज के समाचार से हमें यह संदेश मिलता है कि हम किसी के चरित्र और स्वभाव के बारे में निर्णय देने में जल्दबाजी न करें और उसे बुरा इंसान न बता दें, बल्कि समय के साथ उसकी अच्छाइयों को देखने की कोशिश करें। अच्छा तो वही होता दूसरों के बारे में बोलने की बजाय हम खुद को पहले देखें और अपने आप में सुधार लाएं। दूसरों का निर्णय करने के लिए हम ईश्वर पर छोड़ दें।